हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं सूरज रॉक्स फन चैनल से एक अनदर रील्स कंपाइलेशन वीडियो, 2000 का नोट। तो चलो ये वीडियो देखते हैं। और भैया, 2000 के नोट यार बंद हो गए, ठीक है? मतलब बंद क्या, सरकार ने बोले हैं पर्टिकुलर टाइम तक आपको जमा कर देने हैं, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि शुरुआत में ये जब आए थे तभी बोला गया था भाई टेम्परेरी है ये, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन ना, आदत है भैया भूल जाने की, हर एक चीज़ भूल जाने की। दिमाग है, दिमाग नहीं है, पता नहीं मतलब उस पर क्या लगा के रखा है कि सब कुछ फिसल ही जाता है। क्या स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, ओके? लोगों को ये टेंशन हो रही है कि 2000 का नोट बंद हो गया, और मुझे ये टेंशन हो रही है कि आखिरी बार मैंने 2000 का नोट देखा कब था। इस दुनिया में अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ ना, तो वो तू है। तू ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त, और तेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, तो तू सबसे पहले मुझे बताएगा, फिर हम दोनों साथ मिलके सोल्व करेंगे। और भाई तू भी यार मेरा रिचार्ज कर दे, इसलिए ऐसे तारीफ कर रहा था। भाई तेरी कोई सेटिंग क्यों नहीं होती? क्या करूं यार, चेहरे पे दाग ही इतने हैं। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ। अबे वो कपड़ा तोड़ ही रहा है। नमस्कार, अब रजाई कंबल हटाइए, घर में एसी कूलर लगाइए, बीबी का दिमाग रहेगा कूल, तभी आपसे बात करेगी ठंडा ठंडा कूल कूल। सही बात। क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरा दिमाग बड़ा खराब है। अबे ये कैसे पॉसिबल है? अब जो चीज है ही नहीं वो खराब कैसे हो सकती है? मारे से अभी। अरे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। खाली फोकट उछल कूद कर रहे हैं या खुशी से? अरे तो अपने पति को दो टुकड़े खिला दे बस, चूहों की वार्ता बाद में कर लेना। शिखर वार्ता की नॉर्मल वार्ता? नाश्ता रहने दो, मैं ऑफिस के कैंटीन में खा लूंगा। तो घर में जो नाश्ता बना है उसका क्या होगा? किसी गरीब को दान कर देना है। कौन से वाले गरीब को, नॉर्मल वाला गरीब या अजीबो गरीब? अरे कुत्तों को खिला दो मुझे, क्या गली के कुत्तों को या पालतू कुत्तों को? जैसी मर्जी दे देना, बस हेलमेट दे दो। कुत्ते हेलमेट का क्या करेंगे? अरे हेलमेट मुझे चाहिए। तो कुत्तों को क्या चाहिए? अरे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और कुत्ते कहाँ जा रहे हैं? पायल हो गया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ बोल। मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। बोल, मुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ये तुझे बोलना है। नहीं नहीं, ये तुझे बोलना है। मैंने तो बोला। अरे यार ये तुझे बोलना है। अरे यार ये तुझे बोलना है। तू पागल हो गया। मैं समझ गया ये मेरी नकल कर रहा है। अब इसको इसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ठीक है बोल, मैं एक नंबर का गधा उल्लू का पट्टा हूँ। वो तो तू लगता है भगवान हीटर को चालू करके कहीं चले गए हैं, तभी तो गर्मी कम नहीं हो रही है। सही बात है यार। राजी का 2000 रुपए उधार दे दे। क्यों यार, जरूरत है, मैं तुझे लौटा दूंगा शाम तक। पक्का? हाँ शाम को लौटा दूंगा। पकड़ ले राजी का। ये क्या है? उससे कहा तो था शाम को लौटा दूंगा। अबे लौटा दूंगा, ओ यारो की मात्रा में अंतर नहीं पता तुझे? लौटा दूंगा, लौटा पकड़ ले। लौटा दूंगा, लौटे की बात हुई, लौटा पकड़। काहे बचवा, काहे दो दे हो भैया, जो गलती हम किए है ना, आप जिंदगी में कभी भी मत करना। अरे ऐसा का गलती कर दिए हो भैया? आईफोन का भूत सवार था हमारा ऊपर, तो हम घर में जाके बोले कि आईफोन दिलवा दो, तू लोग नहीं दिलवाया, तो हम सोचे ना कि थोड़ा बहुत नखरा करेंगे ना तो ये लोग दिलवा देगा, तो हम जाके बोल दिए ना कि जब तक तुम लोग आईफोन नहीं दिलवाओगे ना, हम साला खाना नहीं खाएंगे। तो क्या हुआ, दिलवाया वो लोग? नहीं भैया, नहीं दिलवाया, खाना बंद कर दिया हमारा। तो फिर हम सोचे ना कि छोटा मोटा बात है, चलो इससे कुछ बड़ा करते हैं, ये लोग दिलवा देगा। तो हम उन लोग से बोल दिए ना कि जब तक से तुम लोग आईफोन नहीं दिलवाओगे ना, साला हम घर में कदम
रखेंगे। सालों ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया मेरा। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ बेचारा। एक बीवी मिली वो भी ऐसी मिली, जब भी घर में घुसा माँ से लड़ती मिली। मैंने कहा रोटी पका, वो बोली मांज तवा। मैंने कहा रोटी पका, वो बोली मांज तवा। करे हम किस गिला, करे हम किस गिला, ऐ मेरे अब्बा मियाँ, क्योंकि आ मेरा बिया। अपने पैसे SBI में रखने के बजाय बैंक ऑफ वाइफ में रखो, इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा लेकिन समय पर पैसा जरूर मिलेगा। हाँ बड़गारा कितना सुंदर बारू हो, बॉयफ्रेंड ना बना लो हमरा के, बहुत खुश रखे हम। बॉयफ्रेंड तो ना बना पाए, बाकी दोस्त बन जा। दोस्त एगो लड़का एगो लड़की कब दोस्त हो लन सजी। ठीक बात, भाई बन जो। पागल है हम, एकदम डायलॉग बने डायलॉग। देख सुन हमारा डायलॉग, पत्थर पीस के कबो मैदाना भइल, तहरा से बियाह करके कोनो फायदा ना भइल, कैसे तहरा से आज लेगो लइका पैदा ना भइल। बाबूजी क्या हुआ रे, हमरा बियाह करा दीजिए। रे बुढ़बक पहले पढ़ो लिखो कामयाब इंसान बनो। अरे पहले बियाह करा दीजिए ना, फिर तो कामयाबी मिल जाएगी। रे बुढ़बक बियाह करने के बाद कैसे कामयाबी मिलेगी? अरे एकदम बुढ़बक है का नहीं सुने हैं कि हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। रोज कोनो ना कोनो बात से बेइज्जती करेली, खराब ना लगी का? बेइज्जती कइल तो हम छोड़ देती, बाकी तारीफ कइला पर लोग हंसबो त ना करी। तो लोगों को हंसाने के लिए बेइज्जती करती है अपने पति। अबे जल्दी है मार मार मार। क्यों मार लिए? तूने तो बोला मार मार मार। मैं पबजी में क्या रोज? मुझे धरती पर भेजने के बाद भगवान भी सोचते होंगे इस मासूम को मैंने किस जालिम दुनिया में भेज दिया। और कभी भी खुद को बेकार मत समझना, क्योंकि तुम हो, तुम हो। लेकिन मत समझना। मैं लड़कियों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लिपस्टिक लगाना ठीक बात है, कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में ये करना जरूरी है क्या? कौन करता है ऐसे? गुलामी करना छोड़ दिया है दोस्तों, अब मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ चोरी करके खाता हूँ। लोग बहुत बदल गए हैं दोस्तों, अब 1 से लेकर 8 तक वाईफाई का पासवर्ड कोई नहीं रखता। दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध को सड़क पर फेंक देते हैं, सब्जी वाले हड़ताल करते हैं तो सब्जी को सड़क पर फेंक देते हैं, पता नहीं बैंक वाले कब हड़ताल करेंगे। अबे वो दूसरों का पैसा है, वो तेरे लिए कैसे फेंकेंगे सड़क पे? हैं दूध सड़क पे फेंक देते हैं, सब्जी सड़क पे फेंक देते हैं, वो क्या बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं भाई? तो फेंको मत, उसे किनारे खड़ा कर दो अपना सब्जी का ठेला अपना, और मत बेचो, बेचने मत जाओ, है ना, अपने घर में ही उसे तरकारी बनाओ खाओ, ऐसा कुछ कर लो, इस टाइप से हड़ताल कर लो। लेकिन ना, सड़क पर फेंक देंगे, वो सड़ता रहेगा, ठीक है, इतना ख़राब होगा, यहाँ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, दूध पीने को नहीं मिल रहा, और ये लोग हड़ताल करने के चक्कर में इतना नुकसान कर देते हैं। सोचो कितना बुरा ज़माना आ गया है, सीरियसली। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।